अमृतसर के सुंदरनगर इलाके में रहने वाली एक युवती की पिछली रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवती के परिजनों के मुताबिक इस मौत के पीछे मृतक के ससुराल वालों का हाथ है। 4 बजे आप इतने पुजे तो इन्होंने कुछ चीज ढकी हुई सी गर्दन च, कपड़ा जहा गुलाबी रंग का दिता हुआ, सानू थोड़ी शंका हुई, इन्होंने कपड़ा ढान नहीं दिता। जो कपड़ा ढाया तो देखा कि इतने निशान बजे हुए हैं, सानू लगता कि यह कतल का केस है, तो कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस कतल में सानू शक अपनी एदी जठानी का लगता है, जो कि ये लड़ती घुलती सी मारती सी, हसबेंड जेठ ते जठानी। जो देखा ये वारदात हुई है तो आप पुलिस जाके कंप्लेट की, इस तो पहले ही इन्होंने लाश में कढ़ता तो साढ़े भरावां भैणां नाल लड़न की कोशिश की। तो मैंने मेरे मामा जी के बेटे का फोन आया कि इदां तां डैथ हो गई है, तो आप भी कोई 4:30 बजे पहुंचे हाँ। मौके पर पहुँच के जो पोजिशन लगी पता कि यह सारे कि इदां दा सानूं लगा कि कुड़ी नूं मारिया गया, तो जिहड़े असीं पहुँच के उस मौके पर कार्रवाई की है, पुलिस नूं बुलाया तो उन्होंने साडे नाल सहयोग किया। तो आप हुण इक्को ही गल करने कि जिहड़ा इंसाफ मिले कुड़ी नूं भी, कि उहनूं भी उहदी आत्मा नूं शांति मिले। वही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। मामला लड़की की डेथ हुई इन्हें, तो उन्हें स्टेटमेंट लिखाई है, नीतू है ना लिखे, नीतू है तो पति का नाम सौरव है, तो सुंदर नगर के रहने दो गली नंबर 2 च, तो कल इंटीमेशन आई तो फिर गए जाके मौका वेख्या, मौका वेख के फिर स्टेट कुड़ी के भरा ने बयान लिखाया अपना, वो अनुसार 174 की कार्रवाई की, तो पोस्टमार्टम होगा आएगा क्लीयर भी किमें मौत हुई, वजह मौत हो जाऊँ जाए। अमृतसर से जागृति लहर के लिए कैमरामैन हरजीत गरेवाल के साथ अमन महल की रिपोर्ट।